बरेली महाराजा अग्रसेन की जयंती पर अशोक अग्रवाल ने बताया कि 26 सितंबर को सुबह लगभग 9:30 बजे अग्रसेन पार्क में हवन एवं रंगोली प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया गया और 27 सितंबर को 1 बजे महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा शाहूकार गेट से चलकर कुतुब खाना आलमगिरी गंज साहू गोपीनाथ श्यामगंज होते हुए आनंद आश्रम पर संपन्न हुई, जिसके बाद आनंद आश्रम में भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए 18 गोत्र रूपी 18 गोत्र के प्रतीक राजकुमारों को सजाया जाएगा। साथ ही शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां एवं बैंड बाजे शामिल होंगे। 29 सितंबर को IMA हॉल में विशेष रूप से महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जाएगी, जिसमें शिरोमणि भावाश्रा अग्र रत्न एवं मेघावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। जी, मेरा नाम प्रीति वाजपेयी है। किस कॉलेज से? जी, शांति वसत विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रामप्रकाटन बरेली। क्या आपने बनाया? जी, हमने वैसे नवरात्रि का आज फर्स्ट डे है तो उसके थीम पर बनाया है। आज महाराणा अग्रसेन जी की जयंती भी है तो उस पे कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो लेकिन आज हमने नवरात्रि का फर्स्ट डे के ऊपर थीम रखा हुआ है अपना। जी, हमारे में एक कलश का वो है और हैप्पी नवरात्रि हमने दुर्गा माँ का भी चेहरा बनाया है, उसके अलावा एक पिकॉक को भी अपना बेस बनाया है। जी, ये सब मेरे हैं, ये व्याख्या दीदी एंड अंबिका, अनामिका, शिवांगी, पल्लवी सिंह। दिव्या गंगवार, स्वीकृति टंडन। किस कॉलेज से? राधा माधव पब्लिक स्कूल। आपने क्या बनाया है? क्यों? हमने राधा कृष्ण जी बनाए हैं और प्रतियोगिता थी अग्रसेन जयंती के ऊपर, हमने राधा कृष्ण जी की रंगोली बनाई है। अनन्या राजपूत। किस कॉलेज से? KPRC कलक इन गर्ल्स इंटर कॉलेज। आपने क्या बनाया है? मैं आज हमने महाराजा अग्रसेन के उपलक्ष्य में प्रतियोगिता है, इसमें मोर का डिजाइन बनाया है। ये आपने क्या बनाया है? मोर का डिजाइन। जी, ये डिजाइन आपने कैसे सीखा? ये हमने अपने आप बनाया है, मैम ने सिखाया। यस मैम, मैम ने सिखाया स्कूलों में। आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? आज का जो है क्या कार्यक्रम है और कल का क्या कार्यक्रम रहेगा? आज का कार्यक्रम अग्रसेन महाराज की जो जयंती दिवस है, 3 दिवसीय, उसका शुभारंभ हवन से किया गया है। सभी अग्रबंधु यहाँ आए हैं, उसके बाद जलपान का व्यवस्था है और कल 27 तारीख को 1 बजे से साहूकारा गेट से शोभा यात्रा आनंद आश्रम तक पहुंचेगी। और मेरी सभी अग्रबंधुओं से ये निवेदन है, सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर वहां पहुंचें। 29 तारीख को हमारा जयंती उत्सव है IMA हाल में, जिसमें सभी अग्रबंधुओं का और अग्र भामाशाहों का, अग्र रत्नों का और छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाएगा। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचकर अग्रसेन महाराज की शोभा बढ़ाएं। हाँ, ये रंगोली का प्रतियोगिता का कार्यक्रम चल रहा है, जिसको सभी देख के उनको भी इनाम वितरित किए जाएंगे। अनमोल शंकरधार, बरेली कॉलेज। मैंने महाराज अग्रसेन जी की पोर्ट्रेट बनाया है, क्योंकि आज महाराज अग्रसेन जी की जयंती है और यहाँ पे रंगोली का कार्यक्रम है। मुझे कल ही पता चला था तो मैंने जल्दी जल्दी जैसा आया मैंने वैसा सोच के बनाया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके, दूसरी बार आया हूँ वैसे तो मैं यहाँ पे बरेली के। यस जी, आज जो है कार्यक्रम मनाया जा रहा है, अगर महाराज अग्रसेन जयंती मनाई जा रही है, कब से शुरू क्या कार्यक्रम? आज बहुत ही शुभ दिन है, महाराजा अग्रसेन जी की हमारे आज जयंती है और उस जयंती की इस पावन दिन सभी देश के राष्ट्र प्रेमियों को, बरेली प्रेमियों को बहुत बहुत सपरिवार बधाई और हार्दिक शुभकामनाएँ। महाराजा अग्रसेन ही जो आज मोदी जी पूरे देश में काम कर रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद और अंत्योदय था, अंतिम व्यक्ति तक उत्थान हो, समृद्धशाली हो, समाज की मुख्यधारा से जुड़ा है। असल में तो 5000 वर्ष पूर्व महाराजा अग्रसेन द्वारा इसकी नींव डाली गई थी, उन्होंने अपने राष्ट्र में एक संदेश दिया था और चरितार्थ करके दिखाया था
और उस ही समय उन्होंने ये अग्र समाज को, अग्रवाल समाज को, बैस समाज को ये जिम्मेदारी दी थी कि हमारे राष्ट्र और देश का कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहता हो उसका मकान भी होना चाहिए और उसको रोजी रोटी की कमी नहीं होनी चाहिए। समाजवाद के असली प्रणेता वो थे, वहाँ से चली ही वो परंपरा, पूरा बैस समाज, अग्रवाल समाज उसको निरंतर निभाता आ रहा है और पूरे देश में चाहे धर्मशाला हों, चाहे धर्म के प्रति जागरूकता मंदिर हों, पार्क हों, अनाथालय हों, आश्रम हों और लोगों के रहने की सुविधाएं हों और स्कूलों, शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल का हर क्षेत्र में बैस समाज अग्रवाल से अग्रणी रहा है और उन्होंने धर्मार्थ कार्य करते हुए समाज को सेवा के रूप में देने का काम किया है और आज भी निरंतर ये समाज आगे बढ़ के पूरे देश में सेवा के कार्य में आगे रहता है। पुनः सबको बहुत बधाई, धन्यवाद। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।